चाइनीज वाले की सफलता। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का आदमी रहा करता था। उसे दो बेटे थे, संजय और विजय। दोनों भी काम करने में माहिर थे। कुछ ही दिनों में उनके घर में पूजा होने के कारण श्यामलाल की पत्नी शारदा काम में व्यस्त थी और अपने दोनों बेटों से भी काम करवा रही थी। अरे माँ, तुम मुझे ही काम बता रही हो, इस विजय को भी बताओ जरा। हाँ हाँ, पता है कौन कितना काम करता है, तुम इसकी बात मत सुनो माँ। हाँ पता है मुझे तुम दोनों कितना काम करते हो, चलो अब मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। दोनों भाई अपने माँ को मदद करने लगते हैं। उस दिन उनके घर की पूजा संपन्न होती है और श्यामलाल शारदा से कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज की पूजा तो बहुत अच्छी हुई। हाँ बहुत अच्छी हुई पूजा, सभी लोगों को बहुत पसंद आई। चलो अब बहुत रात हो गई है, सब सो जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। श्यामलाल और शारदा अपने परिवार के साथ खुश थे, मगर थोड़े ही दिनों बाद अचानक श्यामलाल को हार्ट अटैक आ गया और उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब उनके घर में पैसों की कमी के कारण खाने के लाले पड़ने लगे। दोनों बेटे भी कुछ नहीं कमाते थे, इसीलिए श्यामलाल को घर कैसे चलेगा इस बात की चिंता सताने लगी। अरे शारदा, मैं ऐसे बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ मैं, घर का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और काम कर सकूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा और हमारे बच्चे हैं ना। श्यामलाल शारदा की बातें सुनकर चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। संजय, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, हमारे पास थोड़ी जमीन है, उसका इस्तेमाल करके तुम अच्छी तरह से कमा सकते हो। मगर बाबा, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करते करते थोड़ी खेती भी कर लो, घर को थोड़ा सहारा मिल जाएगा बेटा। मैं सोचकर बताता हूँ बाबा। कुछ दिनों बाद संजय खेती करने लगा और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू रखी। विजय भी उसके साथ खेती में हाथ बटाने लगा। ऐसे ही एक दिन संजय ने विजय से कहा, अरे विजय, तुम क्यों इस खेती के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम अपना कुछ धंधा शुरू करो, उसमें तुम्हारा नसीब चमक सकता है, और वैसे भी ये जमीन है ही कितनी, इसमें दो लोगों का तो गुजारा नहीं हो सकता। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा खुद का कुछ काम धंधा शुरू करूँ, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है और मैं उन्हें बनाता भी अच्छा हूँ, क्यों ना मैं नूडल्स बनाकर बेचूं, लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे और मेरा धंधा भी हो जाएगा। और बस अगले ही दिन विजय ने बाजार में अपनी रेडी लगा दी और उस पर नूडल्स बना के बेचने लगा। ऐसे ही एक दिन उसकी रेडी पर उसका दोस्त उमेश आया। अरे विजय, तुम यहाँ इस रेडी पर क्या कर रहे हो। अरे मैंने सोचा कि धंधे में अपना नसीब आजमा के देख लूं। ये अच्छी बात है, चलो मुझे एक प्लेट शेजवान नूडल्स बना कर दो। हाँ अभी देता हूँ। विजय ने नूडल्स बनाकर उमेश को एक प्लेट में दिए। अरे यार विजय, तेरे हाथों में तो जादू है जादू, कितने अच्छे नूडल्स बनाए हैं तुमने। तुम्हें पसंद आए इसका मतलब बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब धीरे धीरे विजय अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा। उसको ऐसे नूडल्स बेचते हुए देख संजय को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो जमीन में हिस्सा नहीं मांग रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। विजय की नूडल्स की रेडी पर सुबह शाम लोगों की भीड़ लगी रहती थी और उसका सारा ध्यान अपने ग्राहकों पर ही होता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके नूडल्स की दुकान पर आई। उसने विजय की बहुत तारीफ सुनी थी। जी मैडम, आपको क्या चाहिए। जी मुझे एक प्लेट हाका नूडल्स चाहिए। जी अभी देता हूँ। थोड़ी ही देर में विजय उस औरत के सामने प्लेट रखता है और अपना काम करने लगता है। उस औरत को विजय के बनाए हुए नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और वो विजय से कहती है, अरे भाई ये नूडल्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। धन्यवाद मैडम। अगले हफ्ते मेरे बच्चे का बर्थडे है, क्या तुम उस पार्टी में नूडल्स बना कर दोगे। जी मैडम मैं जरूर आऊंगा, बस आपके घर का पता दे दीजिए। जी भैया। ऐसा कहकर वो औरत विजय को पता और कुछ एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बर्थडे के कुछ दिन पहले ही विजय ने सारी तैयारी कर ली ताकि किसी चीज की कोई कमी ना हो, और बर्थडे के दिन उस दिए हुए पते पर पहुंचकर सारे बच्चों को उनके मन पसंद नूडल्स खिलाए। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। तभी वहाँ एक सुधीर नाम का आदमी आया और विजय से बोला, अरे भाई तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, इनका स्वाद तो मुंह से जाता ही नहीं, क्या तुम मेरे होटल के लिए नूडल्स बनाकर दिया करोगे। हाँ हाँ साहब जरूर बना कर दूंगा, आप बस मुझे आपके होटल का पता बता दीजिए, तो फिर कल इस पते पर आ जाना, ठीक है। जी साहब। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाने के बाद विजय घर आता है
और अपने माँ और पिताजी से कहता है, अरे माँ, मेरे हाथों के बनाए नूडल्स सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और पता है आज एक बहुत बड़े होटल के साहब ने मुझे उनके होटल में नूडल्स देने का ऑर्डर दिया है। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं निश्चिंत हो गया भाग्यवान। हाँ जी, और मैं भी। ऐसे ही वो तीनों बातें करते बैठे ही थे कि संजय वहाँ आ गया। संजय ने भी विजय की तरक्की की सारी बातें सुन ली और अपने भाई के लिए बहुत खुश हो गया। मेरे भाई, तुम्हें खेती में हिस्सा ना देना पड़े इसीलिए मैंने थोड़े मोह में आकर तुमसे ये नूडल्स वाली बात कही थी, मुझे माफ कर दो। अरे भाई, अगर तूने मुझे ये सब नहीं कहा होता ना तो आज मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसा कहकर विजय और संजय गले लग जाते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। कुछ ही महीनों में विजय अपना खुद का बड़ा होटल शुरू करता है और खूब तरक्की करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले की सफलता हमेशा कदम चूमती है। गरीब की जिंदगी। सुंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। उसके पति हाल ही में गुजर जाने की वजह से उसके परिवार को आधार देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए राधा हमेशा कुछ न कुछ काम की तलाश में रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधा ने अपने घर का काम खत्म किया और काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ी। उनके गांव में एक हलवाई की दुकान थी, राधा उस दुकान में गई। नमस्ते भाई साहब, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं बहन, मेरे यहाँ फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बर्तन मांजने बोलोगे तो भी मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मगर मेरे यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तुम चाहो तो शहर जाकर मेरे भाई के दुकान में काम कर सकती हो, मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाना कौन से शहर है? अरे बहन, हमारे गांव के नजदीक है ना, किशनगढ़, वही शहर। मैं तुम्हें उसके दुकान का पता देता हूँ। ठीक है भाई साहब। राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन राधा और सूरज किशनगढ़ के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर राधा दिए हुए पते पर पहुंच जाती है और वहां जाकर, नमस्ते भाई साहब, मैं सुंदरपुर से आई हूँ, भाई साहब ने मुझे आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। हाँ हाँ बहन, आओ, तुम्हें यहाँ कुछ बर्तन साफ करने होंगे, खाना वगैरह यही मिलेगा और महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, चलेगा ना? हाँ भाई साहब, चलेगा। मैं काम पर कब आ सकती हूँ? कल से आ जाना बहन, ठीक है? आज रहने का बंदोबस्त कर लो। जी भाई साहब। ऐसा बोलकर राधा वहां से चली जाती है। तभी सूरज उससे पूछता है, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? देखते हैं बेटा, कोई किराए का मकान ढूंढते हैं। मगर उस दिन उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं मिलता। वो दोनों पूरी रात सड़क पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही जल्द ही दोनों माँ बेटे उठकर दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक राघव वहां आता है और राधा को इतने जल्दी आया हुआ देख, अरे राधा बहन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई हो? भाई साहब, जल्दी उठकर यहाँ चली आई। और ये सामान? वो कल रात हमें कोई मकान किराए पर नहीं मिला, इसीलिए ये सामान भी साथ लेकर आई हूँ। ये बात सुनके राघव को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहता है, जब तक कोई मकान नहीं मिलता तब तक तुम यही रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाई बोलती हो और एहसान की बात करती हो। राधा अपना सामान दुकान के एक कोने में रखकर अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे दुकान की साफ सफाई कर देती है और फिर बर्तन मांजना शुरू करती है। वहाँ बेटा सूरज भी दुकान में बैठकर राघव की छोटी मोटी मदद कर देता है। ये सब देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह हर रोज राधा और सूरज राघव की दुकान में मन लगाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लिए एक किराए का मकान भी ढूंढ लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ने राधा के काम से बहुत खुश होकर उससे कहा, बहन, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करो, तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए होगी। धन्यवाद भाई साहब। राघव उसे अपने बंगले का पता देता है। अगले दिन राधा और सूरज उस पते पर बताए हुए बंगले में जाते हैं। वहाँ उन्हें राघव की पत्नी सोनिया मिलती है। जी, क्या चाहिए आपको? जी, हमें राघव भाई साहब ने यहाँ भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा, तो आप वो हो, मुझे इन्होंने बताया था, मगर इस घर में काम करना है तो मेरी शर्तें तुमको मंजूर करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही काम होगा। देखो, मेरा बेटा विक्की है, किसी ने उसकी चीजों को हाथ लगाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हारे बेटे को बता देना
कि उसके कमरे में ना जाए, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी मालकिन, जैसा आप कहे, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे ही एक दिन सूरज को विकी के खिलौनों में से एक गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो उसे लेकर खेलने लगता है। ये देखकर सोनिया उस पर चिल्लाती है, रखो वहाँ, तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? राधा! उसकी चीख सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? तुम्हें पता है ना, विकी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। मालकिन, गलती हो गई होगी, मालकिन छोटा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर राधा की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है, मगर आज के बाद विक्की के किसी भी सामान को सूरज ने छूना नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं याद रखूंगी और उसको भी समझा दूंगी। सोनिया वहाँ से चली जाती है और राधा अपने बेटे को समझाने लगती है। सूरज, तुम्हें बताया था ना कि विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर तुमने उसकी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? माँ, मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था। बेटा, आज के बाद विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हाँ माँ, नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एक दिन राधा सब्जियां लाने के लिए बाजार गई थी और सोनिया भी बैंक का कुछ काम होने की वजह से घर से बाहर थी। घर में सिर्फ विकी और सूरज ही थे। विकी अपने कमरे में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल घर में एक जगह ऊपर अटक गई और उस बॉल को निकालने के लिए विकी ने एक कुर्सी ली और उस पर चढ़ गया। उस बॉल को निकालते निकालते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुर्सी से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर सूरज वहां आया और उसने देखा कि विकी बेहोश हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद ढूंढने के लिए तुरंत घर के बाहर निकला। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया और सूरज उससे मदद मांगने लगा। चाचा, चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ है बताओगे? सूरज सारी बात उस आदमी को बता देता है और उसकी मदद मांगता है। अब वो आदमी सूरज के साथ घर में चला जाता है। वो विकी के पिताजी को फोन करके सब बता देता है और तुरंत विकी को अस्पताल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सोनिया घर आकर देखती है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पति को फोन करती है, तब उसे पता चलता है कि विकी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तभी राधा वहाँ आती है। मालकिन, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? अरे, विक्की कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश पड़ गया है और उसे अब अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कुछ नहीं होगा विक्की को, चलो हम अस्पताल जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर सोनिया और राधा अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सोनिया रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। डॉक्टर, कैसी है विकी की तबीयत? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर समय में अस्पताल में लाने की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मेरा नहीं, इस आदमी का कीजिए जो समय रहते इसको यहाँ पर लेकर आया। जी डॉक्टर, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस बच्चे ने किया है। इसी ने मुझे बुलाकर अस्पताल में लेकर जाने के लिए कहा। अगर इसने समय पर कुछ नहीं किया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसके तेज दिमाग की वजह से ही आपका बच्चा बच पाया। आप सही कह रहे हो बेटा सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, ये तो मेरा दोस्त है ना, मैंने अपने दोस्त के लिए सब किया। राधा, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो, हमारे ही घर में रहोगी, समझी? सच में मालकिन? हाँ, मुझे ऐसे प्यार करने वाली बहन और बेटा हमेशा के लिए चाहिए। और इस तरह से अब राधा और सूरज राघव के परिवार का एक हिस्सा बनकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब।